हाय गाइस, अभी एप्पल के प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ। जो भी एप्पल के लैपटॉप है, आईमैक है, सब रेडीली अवेलेबल है और लिमिटेड स्टॉक में। अभी जो एप्पल के कोर स्टूडियो मॉडल है मेरे पास, काफी चीपर प्राइस में आपको आ जाएंगे। आप देख सकते हो कंडीशन वगैरह इसका। एप्पल के मैकबुक करके है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैकबुक करके। कंडीशन आप देख सकते हो एकदम बढ़िया कंडीशन में है, पूरा सिल्वर व्हाइट कलर है और एकदम पोर्टेबल है। लेस देन 2.4 केजी रहेगा। आप कंडीशन आप देख सकते हो इसका, पूरा पोर्टेबल है, एकदम स्लिम लैपटॉप है और ये लोगो वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। कंडीशन आप देख लीजिए इसका एक बार। जो है पूरा क्वांटिटी 4-5 पीसी अवेलेबल है। एक बार मैं आपको चालू करके पूरा चेक करा देता हूँ क्या कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसका और क्या कंडीशन में है, जिसमें आपको पूरा मैक ओएस इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर। 4 GB रैम है, 320 GB का हार्ड डिस्क है और 14 इंच का ये LED डिस्प्ले है। कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे चालू कर दिया मैंने। कीबोर्ड कंडीशन भी आप देख लीजिए, चिकलेट कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बीच में भी स्पेस दिया हुआ है सबके बीच में। कंडीशन आप देख सकते हो, पूरा एप्पल ओएस इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर और 2008 का वर्जन है एप्पल का, ये 2008 का वर्जन है, जिसमें 4 GB रैम, 320 GB हार्ड डिस्क, इंटेल कोर स्टूडियो है। 18,000 में आपको कहीं पे भी एप्पल के लैपटॉप कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, बहुत चीपर प्राइस में प्रोवाइड करा रहे। जो विंडोज लोडेड है और पूरा चालू कंडीशन में आपको मिल जाएगा, चार्जर, पावर कोर्ड सब कुछ इसके साथ आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये देखिए स्टार्ट हो गया है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है ये सारे इसके फीचर्स है। होम फीचर्स आ जाएंगे आपको जो आते हैं स्टार्टिंग में, और कॉन्फ़िगरेशन में आपको चेक करा दूं ना, देख सकते हो ये कोर स्टूडियो प्रोसेसर है, 2.4 GHz से 3 GB शेयरेबल रैम है, DDR2 का रैम लगता है, 4 GB तक बढ़ा सकते हो आप। और हार्ड डिस्क में आपको चेक करा दूं ना मोर इन्फॉर्मेशन में जाके, ये देखिए पूरा स्पेसिफिकेशन है, कभी का मॉडल है, क्या है, मैकबुक है, 13 इंच का है, 2008 का अर्लियर मॉडल है, प्रोसेसर जो है 2.1 GHz है इसका, कोर स्टूडियो प्रोसेसर है, मेमोरी 3 GB 667 MHz का, DDR2 का रैम है और ग्राफिक्स भी इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड है और सीरियल नंबर दिया हुआ है उसका, सॉफ्टवेयर का मैक ओएस दिया हुआ है, 10.7 वर्जन लोड किया हुआ है। कंडीशन आप देख लीजिए, पूरा एकदम मिड कंडीशन में है, विंडोज वगैरह सब लोड किया हुआ है और इसका हार्ड डिस्क वगैरह में दिखा रहा था। डिस्प्ले रेजोल्यूशन देख लीजिए आप, बिल्ट इन कलर डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले है इसका, 13.3 इंच का डिस्प्ले है इसका। स्टोरेज कैपेसिटी एक बार चेक करा देता हूं आपको, ये देखिए 250 GB का हार्ड ड्राइव है, CD ड्राइव, DVD ड्राइव दोनों दिया हुआ है इसके अंदर और ये मेमोरी है उसका, एक 2 GB का और एक 1 GB का लगा हुआ है। टोटली आप 3 GB है, 4 GB तक अपडेट कर सकते हो इसको। और बाकी फीचर्स में आपको मैं दिखा दूं ना, तो ये देखिए ये सारे फीचर्स है इसके, काफी इंस्टॉल करके रेडी रखे हुए हैं। किसी को भी चाहिए रहेगा डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, शॉप पे आके ले सकते हो 18,000 की रेंज में। आप देख सकते हो कैमरा क्लियरिटी भी, देखिए आप एकदम बढ़िया क्लियरिटी है, पूरा बैक का पैनल भी दिख रहा है आपको, कंडीशन एकदम बढ़िया कंडीशन में आपको आ जाएगा। देख सकते हो कैमरा क्लियरिटी इसका एकदम बेस्ट कंडीशन में है पूरा। और किसी को भी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट रहेगी ना तो मिल जाएगा, अभी 4 यूनिट अवेलेबल है। अभी मटेरियल रेगुलरली आ रहा है मेरे पास, जैसे मटेरियल आ रहा है मैं वीडियो बना के अपलोड करके आपको चेक करा रहा हूँ ये कैसा मटेरियल है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है और क्या प्राइस रेंज में आएगा। अभी ये मैकबुक में सीरीज है, सारे 2008 के मॉडल है, 4 GB, 320 GB है, 250 GB के साथ मिक्स माल आया हुआ है, 18,000 की रेंज में, काफी चीपर प्राइस में। मैकबुक का काफी रिक्वायरमेंट रहता है वो हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया कुरियर भी कर देंगे, सिंगल पीस भी आपको चाहिए रहेगा तो प्रॉपर पैकिंग में कुरियर कर देते, पेमेंट आने के बाद कुरियर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका कॉन्फ़िगरेशन, प्राइस रेंज क्या है, मॉडल है, कभी का मॉडल है, सब कुछ मैं मेंशन कर देता हूँ। मेरा एड्रेस भी आपको दे देता हूँ उसके अंदर और अकाउंट नंबर भी दे दिया है। DTDC कुरियर का भी नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हो, एक बार कॉल करके कंफर्म भी कर सकते हो कितना कुरियर चार्जेस होगा, तो ये आपको मिल जाएगा। और क्वांटिटी देखिए 4-5 PC यूनिट अवेलेबल है, सारे मैक के कॉन्फ़िगरेशन है। कंडीशन आप देख सकते हो एकदम बढ़िया कंडीशन में है। और किसी को ऑल इन वन मशीन भी चाहिए रहेगा ना तो आईमैक के ऑल इन वन मशीन भी है, काफी क्वांटिटी अवेलेबल है उसमें मेरे पास। कंडीशन आप देखिए, कंडीशन है आईमैक का, मैं अभी मैंने एक वीडियो प्ले अवॉर्ड करवा रहा हूँ। i5 जो है 25,000 की रेंज में कोर i5 मशीन मिल रहा है, वो भी ऑल इन वन मशीन, एप्पल का आईमैक है। आईमैक की कॉस्टिंग मार्केट में आप देखेंगे ना, एक बार सर्च करेंगे, स्टडी करके दिखा देता हूं इसका। देख सकते हो कंडीशन, देखिए कैमरा क्लियरिटी, देखिए एक नंबर क्लियरिटी है इसका, बहुत बढ़िया क्लियरिटी में आपको आ जाएगा। और इसका इफेक्ट भी दे सकते हो, इसके अंदर आप जूम भी करना है जूम भी कर सकते हो। फुल साइज देखिए, फुल साइज हो गया। किसी को कॉन्फ्रेंस के लिए, जूम ऐप के लिए यूज करना है तो ये ऑल इन वन मशीन के अंदर बिल्ट इन कैमरा देते हैं। बाकी में कैसा रहता है, एक्सटर्नल कैमरा आपको अटैच करना पड़ता है, इसके अंदर कैमरा इनबिल्ट दिया हुआ है, मतलब किसी को कैमरा भी अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, इनबिल्ट ही कैमरा आ जाता है। और इसके अंदर आपको वाईफाई भी इनबिल्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे वाईफाई इनबिल्ट दिया हुआ है।
अभी ये मेरा डीलिंक का वाईफाई कनेक्टेड है, इसके अंदर वाईफाई इनबिल्ट दिया हुआ है। स्पीकर का साउंड क्लियरिटी भी बहुत बढ़िया, साउंड क्लियरिटी है। वर्ल्ड कंप्यूटर में आना पड़ेगा। काफी अदर फीचर्स भी अच्छे हैं इसके अंदर, जो चार यूएसबी पोर्ट दिए हुए और सब कीबोर्ड माउस सब प्रोवाइड करा देंगे। नॉर्मल कीबोर्ड माउस आएगा आपको, अलग से कीबोर्ड माउस चाहिए रहेगा तो 200 रुपीज के आ जाएंगे। और कंडीशन आप देख सकते हो, आईमैक में 22 इंच में आपको आईफाई मिल रहा है 25,000 में। इसमें लोअर बजट वाले भी है, i3 आपको आ जाएगा 20,000 में और कोर स्टूडियो आपको आ जाएगा 14,000 में, बट लिमिटेड स्टॉक है उसके। आईफाई के क्वांटिटी ज्यादा है तो कोई भी आता है तो जो अवेलेबल रहेगा वही दे पाएंगे। जो आईफाई अभी रेडीली अवेलेबल है, क्वांटिटी मटेरियल है मेरे पास, तो अभी नियर अराउंड काफी अच्छी क्वांटिटीज मिल जाएगी आपको। और ये सिंगल पीस भी कुरियर करना है, ऑल ओवर इंडिया में कुरियर सर्विस अवेलेबल है। इसका वेट ज्यादा रहता है तो कुरियर कॉस्टिंग नियर अराउंड आपका 2,500 से 3,000 रुपया कुरियर कॉस्ट चला जाएगा, क्योंकि इसका वेट नियर अराउंड 25 kg वेट रहेगा इसका, तो उतना कुरियर कॉस्ट आपको लग जाएगा। और लैपटॉप कुरियर कराते हो महाराष्ट्र के बाहर तो 1,500 रुपया कुरियर कॉस्ट लग जाएगा। और मेरा ये नंबर जो अभी 9082807998 ये नंबर स्टार्ट हो गया है, किसी को भी कांटेक्ट करना है तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। 12 से 8 का टाइम है मेरा कांटेक्ट का, उसके बीच में ही कांटेक्ट कर लीजिए। उसके पहले ओपन नहीं होता है ऑफिस, मोबाइल ऑफिस में ही रहते हैं, तो कोई भी कॉल करता है तो 12 से 8 के बीच में ही कांटेक्ट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, तो लेटेस्ट अपडेट आपको इसके बारे में आते रहेंगे। मतलब आपको कुछ भी अपडेट लेना है तो 12 से 8 के बीच में ही कांटेक्ट कीजिए। मैडम रहेंगे, मैडम को बैक ऑफिस में कॉल रिसीव कर लेंगे, व्हाट्सएप भी कर देंगे, डिटेल भी आपको दे देंगे क्या है क्या नहीं, मटेरियल अपडेट मिल जाएगा उसके ऊपर आपको।